असलकुम नाजरीन कराम नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं कौमी असम्बली और सेंट से हकूमत ने जल्दबाजी में अराकान को ख़रीद कर ज़ोर ज़बरदस्ती किसी भी तरह से आयनी तरामीम को मंजूर तो करवा लिया लेकिन पिक्चर अभी बाकी है आयनी तरमीम मंजूर हो गई हैं लेकिन आइनी मसाइल के अंबार खड़े हो गए सबसे अहम सवाल यह है कि जिस मकसद के लिए हकूमत ये आयनी तरामीम मंजूर करवाना चाहती थी उस आयनी तरमीम से हकूमत वो मकसद हासिल करने में कामयाब हुई है या नहीं तो हकूमत को आइनी तरमीम मंजूर करवाने के बावजूद बदतरीन शिकस्त हुई है जैसे मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डिवेलपमेंट और अहम पेशर हुई है सुबह होते ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है तफसी से मैं आपको आगाह कर देता हूँ नजर कर पिछले चंद घंटों में रात की तारीखी में हुकूमत ने छब्बीसवीं आयनी तरमीम मंजूर करवा ली लेकिन चंद घंटों बाद ही इस आयनी तरमीम का बाकायदा जनाजा भी निकल गया सबसे अहम सवाल ये था कि क्या हुकूमत जो इस मकसद जो मकसद इस आयनी तरमीम से हासिल करना चाहती थी वो मकसद हासिल हुआ या नहीं यानी मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया यानी इस सवाल का जवाब में आगे चल कर देता हूँ इस टाइम मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है रात की तारीखी में शहबाज़ हुकूमत ने जिस तरह सेनेट और कौमी इसम्बली से छब्बीसवीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई पूरे पाकिस्तान ने देखा किस तरह रात के अंधेरे में सैनिटर्स को यरगमाल बनाकर अरकान कौमी इसम्बली को ख़रीद कर नंबर्स पूरे किए गए लेकिन सबसे अहम मामला ये था कि हुकूमत इन तमाम तरामीम मंजूर करवाने के बावजूद वो मकसद हासिल नहीं कर सकी दो दिन पहले मैंने आपको विलाग में ख़बर दी थी कि जैसे यही आफरी दी जो सुप्रीम कोर्ट के चौथे नंबर के सीनियर मोस्ट जज हैं आ, काजी की रिटायरमेंट के बाद वो तीसरे नंबर के सीनियर मोस्ट जज बन जाएंगे यानी मंसूर अली शाह जस्टिस मुनीब और जस्टिस यिया आफरीदी या आफरीदी को कुछ दिन पहले अप्रोच किया गया था कि आइनी तरमीम मंजूर होने के बाद आपको चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है मैंने आपको ये खबर दी थी और कई दिगर सहाफ़ियों ने भी ये खबर ब्रेक की थी कि यैया आफरीदी ने मुतलका इदारों को इनकार कर दिया उन्होंने माजरत कर ली कि वो किसी सीनियर जज को सुपर सीट करके चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तीन सीनियर मोस्ट जजिस के हवाले से इस आईनी तरमीम में लिखा है आइन के आर्टिकल में जो तब्दीलियां की गई हैं उसमें यही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के तीन सीनियर मोस्ट जजिस के नाम वजीर आजम को भेजे जाएंगे अब यैया आफरीदी ने अगर इनकार कर दिया है तो इसका मतलब पीछे जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ही बचते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ऑप्शन क्या है क्योंकि आइनी तरमीम मंजूर हो चुकी है सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास आखिर ऑप्शन क्या है पहला ऑप्शन तो यही है कि यई आफरीदी ख़ुद चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दें दूसरा ऑप्शन ये है कि यई आफरीदी अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो चीफ जस्टिस बनने के बाद वो तमाम तर चीज़ें रिवर्स कर दें ये नामुमकिन बात नहीं है क्योंकि चीफ जस्टिस के पास भहरल एक अथॉरिटी है एक ताकत है इख्तियार है कि वो पार्लियामान की की गई कोई भी कानून साजी कोई भी तरमीम रिवर्ट कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के वो अक्सरियती जजेज जिन्हें कंट्रोल करने के लिए ये सारा कुछ किया गया वो क्या सोच रहे हैं ये मैं आगे चल के इस पर भी बता का जवाब देता हूँ अब मैं ये जवाब देता हूँ जो सवाल मैंने शुरू में पूछा था कि हुकूमत इस मकसद के लिए इस आइनी तरमीम को करना चाहती थी क्या वो मकसद हासिल हुआ क्या वाकई मंसूर अली शाह का रास्ता ये रोकना चाहते थे या मंसूर अली शाह की तकरीब हलब बरदारी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं तो मैं आपको खबर दे दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हलफ बरदारी की बाकायदा तैयारियां शुरू हो चुकी हैं दो दिन पहले यह ख़बर शहर अकतदार में गर्दिश कर रही थी कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने का बाकायदा फैसला हो चुका है अगर ये फैसला ना किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के पांच सीनियर मोस्ट जजिस के हवाले से इस आईनी तरमीम के अंदर तब्दीली की जाती है यानी सुप्रीम कोर्ट के पांच सीनियर मोस्ट जजिस के नाम वजी अजम को भेजे जाते हैं और उन पांच नामों में से एक का इंतजाम वजीर आजम करते और फिर किसी एक को चीफ जस्टिस बना दिया जाता मैंने आपको यह खबर दी थी कि तीन जजेस का नाम वजीर आजम को भेजा जाएगा और उन तीन में से एक जज को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा हुकूमत खुद ये चाहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया जाए ताकि एक वर्किंग रिलेशन एक अच्छा तासुर मंसूर अली शाह को दिया जाए कि हम किसी और को भी चीफ जस्टिस बना सकते थे लेकिन हमने आपका इंतखब किया तो अब हम आपके साथ एक वर्किंग रिलेशन डिवेलप करना चाहते हैं वो अलग बात है कि ये जो तीन नामों वाला मामला पांच नामों से कट कर तीन तक आया इसमें मौलाना की बड़ी मेहनत है इसमें पीटीआई के लोगों की बड़ी मेहनत है वैसे तो हुकूमत हर सूरत जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बनाना चाहती थी मौलाना के इनकार के बाद उनकी मुखालफत के बाद तीन नामों पर इतफाक़ किया गया अब एक सवाल यह है कि अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो इस आइनी तरमीम का फ़ायदा क्या होगा हुकूमत ने क्यों लोगों को खरीदा हुकूमत ने क्यों जोर ज़बरदस्ती इस आयनी तरमीम को मंजूर कराया और सबसे अहम सवाल यह है कि फिर इस आयनी तरमीम का फ़ायदा हुकूमत को क्या होगा तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चिक इस आयनी तरमीम में है वो आइनी बेंच के हवाले से है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा आइनी बेंच बनेगा जिसको सुप्रीम कोर्ट का एक जज हेड करेगा ये सात रुकनी आईनी बेंच होगा जो हकूमत के आईनी मामला और केसेस को डील करेगा सबसे बड़ा हमला जो अदलिया पर किया गया वो ये आईनी बेंच बनाकर किया गया गो के मौलाना ने भी इस आईनी बेंच पर इतफाक़ किया और इसी वजह से ये आईनी बेंच बनाया गया अब इस आईनी बेंच का जो सरबराह होगा वो एन मुमकिन है अमीनुद्दीन खान हो नाम तो जमाल खान मंदोखेल का भी चल रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजे भी होंगे अब जो मैंने शुरू में बात की कि आईनी तरमीम हो गई लेकिन आईनी मसाइल के अंबार खड़े हो गए आईनी पेचिदगियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि शायद हकूमत को खुद समझ नहीं आ रही क्योंकि अब हर गुजरते दिन के साथ हकूमत को इतने आईनी मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिनकी तैयारी जिनके जवाब खुद हकूमत के पास नहीं है मसला अगर इस आइनी बेंच का सरबराह सुप्रीम कोर्ट के चौथे या पाँचवें जज नंबर के जज को बना दिया जाता है तो इसका मतलब है कि जो उससे सीनियर हैं वो उस आईनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे यानी अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एक लमहे के लिए मान लिया जाए कि आइनी बेंच का सरबराह बना दिया जाता है अमीनुद्दीन खान इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में पाँचवें नंबर के सीनियर मोस्ट जज हैं काजी साहब रिटायर हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली चौथे नंबर के सीनियर मोस्ट जज बन जाएंगे अगर वो आइनी बेंच को हेड करते हैं तो उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट के अंदर जजेज हैं वही इस आइनी बेंच का हिस्सा होंगे तो ये एक बहुत बड़ा आइनी बहरान है मसला सुप्रीम कोर्ट माजी के किसी फैसले को टेकअप करती है एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि मखसूस नशितों वाले केस का फैसला है अब हुकूमत मखसूस नशितों वाले केस को हर सूरत रिवर्ट तो करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं सकेगी क्योंकि मखसूस नशितों वाले केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने दिया है तेरा रुकनी फुल कोर्ट था जिसने मखसूस नशिशतें पी टी आई को देने का फैसला सुनाया आयन कानून में लिखा है कि जो रिव्यू पटिशन होती है जो नजरसानी ऐसी दरखास्त होती है वह एक्चुअल दरखास्त से बड़ा बेंच या कम से कम उतना ही बेंच केस का फैसला दे सकता है या चेंज कर सकता है तेरा रुकनी बेंच का फैसला सात रुकनी बेंच तो नहीं दे सकता तो ये एक बहुत बड़ा आईनी बुहरान है ये बहुत बड़ी आईनी पेचीदगी है मैंने क्यों कहा कि आईनी तरमीम तो हो गई लेकिन चंद घंटों में ही इस आईनी तरमीम का जनाजा भी निकल गया या आइनी तरमीम फारह हो गई है उसकी वजह यह है कि कूमत ने ख़ुद यह आयनी तरमीम तैयार नहीं की इसका ड्राफ्ट किसी कानूनी ब्रेन ने नहीं किया बल्कि कंपनी सरकार ने किया है और रात के अंधेरे में हुकूमत ने जल्दबाजी में इसे मंजूर करवाया शायद आजम नज़ीर तारड़ जो हकूमत के सबसे बड़े कानूनी ब्रेन हैं उन्होंने ये मसवदा पढ़ा ही नहीं अगर पढ़ा होता तो वो ज़रूर इस आयनी बेंच में जजस की तादाद ज़्यादा कर देते यानी आ, यानी आयन और कानून में ये लिखा होता कि जो रिव्यू पटिशन है उसको वही बेंच सुनेगा या उस बेंच से ज्यादा जजिस सुनेंगे जो एक्चुअल बेंच का हिस्सा होंगे अब तेरह रुकनी बेंच का फैसला सात रुकनी बेंच नहीं तब्दील कर सकता इसी तरह दीगर फैसले जो हुकूमत तब्दील करना चाहती है उन फैसलों में रुकावट आ जाएगी तो यह बहुत बड़ा हुकूमत ने ब्लेंडर किया है सिर्फ इस आईनी बेंच की तश्कील की वजह से यह सारी एक्सरसाइज की गई क्योंकि मंसूर अली शाह के नाम पर हुकूमत खुद मुतफिक हो गई है कूमत ने इतफाक किया है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा क्योंकि अगर उनका रास्ता रोका जाता है तो जो रदल आएगा वो फिर इस पूरी आनी तरमीम को उड़ा देगा एक खबर तो ये है कि या फरीदी इनकार कर चुके हैं जो मैंने आपको खबर दी थी कई रिपोर्टर्स ने इसकी तस्दीक भी की कि या फरीदी ने माजरत कर ली उसके बाद दो जजेस बनते बचते हैं, हैं मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर अब मुनीब अख्तर तो कूमत के लिए नो गो एरिया है मुनीब अख्तर को तो किसी सूरत चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा ये हम सभी जानते हैं इसकी मुख्तलि वजूहत हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है बहर अभी भी हकूमत यह समझती है कि मंसूर अली शाह के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बन सकता है और हुकूमत को किसी ने यह मशवरा दिया था कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाएं लेकिन उनका इंतखा ऐसे ही किया जाए कि तीन सीनियर मोस्ट जजेज़ के नाम वज़र अजम को भिजवाए जाएँ और वज़़़र अजम फिर मंसूर अली शाह का इंतब करके एक गुड जेस्चर दें यानी एक तासर दें एक पैगाम भेजें कि हम किसी और जज का भी इंतख्य कर सकते थे लेकिन हमने आपका इंतखा किया तो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की हद हाँ तक तो ये सूरत हाल है जो दो ऑप्शनज़ हो गए सुप्रीम कोर्ट में यह आफरीदी के पास वो होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया लेकिन अलबत्त सबसे बड़ा सवाल ये है सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजज़ कब जागेंगे यानी रात गए जो पाकिस्तान की जमहूरीत पर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर हमला हुआ सुबह साढ़े पाँच बजे तक कौमी असम्बली और सैनिट का अजलास चलता रहा यानी इतनी फिक्र इतनी मेहनत अगर पाकिस्तान के मसाइल हल कराने पर ये लोग करते तो आज मुल्क का ये हाल ना होता क्योंकि अपने ज़ाती मफादा की जंग ये लड़े पूरी रात और जिस तरह अराकान को ख़रीद कर नंबर्ज पूरे किए गए ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजस खामोश हैं असद तूर ने यह खबर दी कि सुप्रीम कोर्ट के जजिस शायद इस वजह से खामोश हैं क्योंकि टेक्निकली वो कुछ कर नहीं सकते अलबत्त तीन दिन बाद वो बहुत कुछ करेंगे जब काजी साहब रिटायर होंगे तो एन मुमकिन है इसद तूर की यह खाहश खबर पूरी और मेरी ख्वाहिश भी है आ, ऐसा ही हो आ, लेकिन अगर 24 अक्टूबर के बाद भी रद्दमल ना आया तो फिर ये खामोशी बड़ी मना खेज़ होगी फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को सुप्रीम कोर्ट के इन जजेज़ के हक़ में बोलने का इख्तियार नहीं है क्योंकि अगर जजज़ ख़ुद अपने हक़ में नहीं बोल रहे जिनके पास ताक़त और इख्तियार है और वो अपने फैसलों से बहुत कुछ कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तानी कौम को क्या ज़रूरत है इन जजस के बोलने की बहरल ये तरमीम मंजूर हो चुकी है अलबत् पैरल अली शाह की बर्दारी की तकरीब आ, की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं आज़म नज़ीर तारड भी वैसे इस बात पर एग्री हैं कि अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे अब आइंदा चंद आने वाले घंटों में मजीद क्या होता है इस पर इनशाला अगली वीडियो में बात करेंगे तो नाजन कराम आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है आप अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा